नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीसीएल TG2 का पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में। इससे पहले जो है हमने हिंदी लैंग्वेज में जो है चारों पेपर जो है डिस्कस किए थे। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में पर जाकर जो है यूपीपीसीएल के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो यूपीपीसीएल TG2 का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में है, और यह पेपर जो है 24 जनवरी के जो है प्रथम पाली में जो है पूछा गया पेपर है। और यहाँ पर जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बताए जाएंगे। तो आपको बता दें, यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो है 50 प्रश्न कंप्यूटर के और 150 प्रश्न यहाँ पर टेक्निकल के, यानी कि आपके ट्रेड वाइज यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के। इसके अलावा जो है हिंदी लैंग्वेज 15 नंबर की, इसके अलावा जो है 15 नंबर के यहाँ पर 20 नंबर का रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो है पार्ट बी में 200 होती है, और पार्ट ए में जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं जो कि कंप्यूटर के होते हैं। और इसको जो है आपको पास करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर आपको जो है मिनिमम 20 नंबर जो है लाने होते हैं कंप्यूटर में, तो आप जो है कंप्यूटर की तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश वालों के लिए जो है कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर एट ए टाइम। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा था, माइक्रो मिनी कंप्यूटर। इसका राइट आंसर था मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर पूछा गया था, मोहन वांट टू प्रिपेयर इन्वेंशन लेटर टू इनवाइट पीपल ऑन दिस बर्थडे पार्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वुड बी मोस्ट अप्रॉइंटेड द मोहन टू प्रिपेयर द इन्वेंशन लेटर। यानी कि अगर आपको मोहन को यहाँ पर जो है बर्थडे पार्टी का जो है लेटर को बनाना है तो कैसे बना सकता है, उसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर फोर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वे टू सेलेक्ट ए सिंगल वर्ड इन ए माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट को जो है एक साथ सेलेक्ट करने के लिए जो है क्या आप प्रेस करेंगे, डबल क्लिक टू द वर्ड बी सिलेक्टेड। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरप्रेशन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन काउंटे। काउंट का फार्मूला जो है किस के क्यों यूज किया जाता है, इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज द नॉट एम्प्टी। तो यहाँ पर जो है सेलों की काउंटिंग की जाती है, काउंटा का प्रयोग जो है जो भी यहाँ पर सेल खाली रहते हैं उन्हें सेलों को जो है ये काउंटिंग करता है, और काउंट फार्मूला जो है नंबरों की काउंटिंग करना है करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए जो है किस बटन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर शो एंड हाइड बटन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था, विच विल बी द रिजल्ट व्हेन द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन इज एंटर्ड इन टू एक्सेल। तो यहाँ पर जो है इसका आपको सम निकालना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेवन, विच व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन। तो यहाँ पर काउंट फार्मूला आप लगाएंगे तो आपको जो है नंबरों की काउंटिंग की जाती है, तो इसलिए जो है यहाँ पर फोर जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा करेंटली बीइंग एक्सेस्ड बाय द CPU।
तो यहाँ पर राइट आंसर प्राइमरी मेमोरी जो है इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, ईच पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब हैज ए यूआरएल, व्हाट डज द वर्ड यूआरएल मीन, यानी कि यूआरएल का जो है पूरा नाम पूछा गया था। इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क कॉर्ड विच इज इंस्टॉल्ड इन साइड ए कंप्यूटर दैट इनेबल इट टू कनेक्ट ए नेटवर्क। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 था, लैन कार्ड। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर आधारित होता है। तो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कौन आधारित होता है। तो विंडोज ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि GUI पर आधारित होता है। तो कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिए थे और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को हिंदी में जो है चूज भी किए थे, इसलिए जो है बीच में कुछ क्वेश्चन आपको जो है हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विंडो 10 द फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन इज नेम्ड विच इज यूज इन विंडो सिस्टम टू ब्राउज फोल्डर। तो यहाँ पर अगर आप किसी फोल्डर को ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए जो आप फाइल एक्सप्लोरर का जो है आप यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला पूछा गया था 13 पूछा गया था, एज ए दिसंबर 2018 इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज इज द रिलीजन। तो यहाँ पर कौन सा वर्जन 2016 को जो है कब रिलीज किया गया था, दिसंबर 2018 में विंडोज 10 को और ये 2015 में रिलीज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर 3, शूटर टर्मिनाइज टाइम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इंटरनेट इज इवर्ड बाई वेब नेटवर्क ऑफ मैनी स्मॉलर नेटवर्क। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन था, इंटरनेट फैकल्टीज द ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर्स डिस्टेंस लोकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नाइदर वन और नाइदर सेकंड, यहाँ पर दोनों गलत थे। तो यहाँ पर दोनों सही थे यहाँ पर, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपके दिए गए थे, इसमें जो है आपको फॉल्स और सही बताना था। तो यहाँ पर पहला फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द फाइल आर जनरली नॉट अलाउड द बी सेंट द ईमेल अटैचमेंट। तो यहाँ पर ईमेल के साथ जो है कौन सी फाइल को आप अटैच नहीं कर सकते, .exe की फाइल को और .bin की फाइल को आप अटैच नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए रिसोर्स मैनेजर द प्रोवाइडेड इन ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर कैन बी हार्डवेयर। तो इसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला था यहाँ पर, द फर्स्ट स्क्रीन विच ऑफ द अपीयर आफ्टर द बूटिंग प्रोसेस ऑफ ए विंडो सिस्टम इज कॉल्ड। तो सबसे पहले आप विंडो को जब बूटिंग प्रक्रिया में लगाते हैं और वह ओपन होता है तो उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहा जाता है। जो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है वो उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। वेब पेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई मीन्स ऑफ, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था, हाइपर लिंक उसे कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द ट्रिक सिंबल, यहाँ पर सही का निशान दिया गया, सिंबल ऑफ अपीयरिंग टू द लेफ्ट टू फॉर्मूला बार रिप्रेजेंट बटन, इसे कहते हैं इंटर। अगला क्वेश्चन था, यहाँ पर निम्न में से कौन सा लिनक्स का एक मुख्य घटक है जो कि हार्डवेयर के साथ जो है इंटर कनेक्ट जो है रहता है, उसे कहते हैं कर्नल। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है आपको 23 से जो है 50 क्वेश्चन कल के वीडियो में जो है कराए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको यहाँ पर जो है 22 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आप जो है चाहते हैं आप चारों शिफ्ट का पेपर जो है इंग्लिश में डाउनलोड करना, तो आप जो है वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और यहाँ पर PDF आपको जो है कुछ दिन में प्रदान कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।